उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले तक बहुजन समाज पार्टी पर काफी आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा उन पर भाजपा के खिलाफ मुखर होकर ना बोलने का भी आरोप लगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। राजनीति की माहिर खिलाड़ी बसपा प्रमुख मायावती को लग गया कि जमीन पर दोनों का गठबंधन काम नहीं कर रहा है। दोनों ही दलों के कोर वोट बैंक एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं कर रहे और इसका फायदा भाजपा को ही मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने एक प्रकार की चुप्पी साध रखी थी। अब उन्होंने कोरोना काल में किए गए कार्यों के राज खोले हैं। मायावती जमीन पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा दावा उन्होंने वाराणसी में चुनाव सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में किया। उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति एक साल पहले से ही बनानी शुरू कर दी थी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांशीराम के कैडर वोट बैंक वाले सिद्धांत के आधार पर काम करती है, इस कारण हमें रोड शो नहीं करना पड़ता है, हम गलियों में नहीं घूमते हैं, हमारे कैडर हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने अपने कैडर को मजबूत किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारा कैडर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हकीकत सामने होगी। उन्होंने एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। ऐसे में किसी भी दल के साथ जाने या साथ लेने जैसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। कोरोना काल का जिक्र करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस समय हम लोगों ने पार्टी की छोटी छोटी बैठकें की, हमने अपने आवास को कार्यालय में बदल दिया, वहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक की, जमीनी हालात का जायजा लिया, उसके आधार पर रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति को जमीन पर कार्यकर्ताओं ने उतारा है। हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले भी जानते हैं कि बसपा की ताकत क्या है। उनको सबसे अधिक डर हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति से है, इसे हमने मजबूत किया है, हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते हैं। मायावती ने कहा कि हमारा सालों भर कार्यक्रम चलता रहा। मैं केवल अपनी मां के निधन के कारण दो दिनों के लिए लखनऊ से बाहर निकली, इसके बाद फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। तमाम वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने दूसरे दलों से तुलना किए जाने पर कहा कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, अब तो लोग बसपा की नकल करने लगे हैं। सपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि वे बदले की भावना से काम करते हैं। हमने आगरा के कार्यक्रम से ही बता दिया था कि चुनावी मैदान में हम आ गए हैं, इसके बाद की स्थिति आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है। इस चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने आखिरी चरण में चुनाव प्रचार के लिए काशी में डेरा डाला हुआ है। इसी बीच मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।